सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI ई मुद्रा लोन के बारे में। अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिना ब्रांच जाए घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से SBI ई मुद्रा लोन आप किस तरह से अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ वो जो पैसे उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। जैसा गाइस यहां पे आप साइड में प्रूफ भी देख सकते हैं कि यहां से मैंने 50,000 रुपए का लोन अप्लाई किया और तुरंत के तुरंत ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो चुके हैं। यहां पे आप मैसेज भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 50,000 से ज्यादा का लोन चाहिए, तो 50,000 से ज्यादा लोन लेने के लिए आपको यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाना पड़ेगा और वहां से लोन अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 50,000 से ज्यादा का लोन नहीं चाहिए, आपको 50,000 रुपए तक का लोन चाहिए, तो आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 50,000 रुपए तक का ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप SBI से ई मुद्रा लोन अप्लाई करने का फुल प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, SBI ई मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहां पे SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट यहां पे आ सकते हैं। यहां पर आने पर देखेंगे तो सबसे पहले लैंग्वेज पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में लोन को अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी और भी बहुत सारे लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम इंग्लिश में ही करना चाहते हैं, तो हमने यहां पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहां पे देखेंगे तो वेलकम टू ई मुद्रा कर आ चुका। अब यहां पे कुछ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी। सबसे पहले यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पर जो कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चा को यहां पर डालेंगे, उसके बाद यहां पर वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। तो यहां पर हमने मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर जैसे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल नंबर पर एक 4 डिजिट का OTP भेजा गया है, ठीक है। तो उस OTP को आप यहां पे डालेंगे, उसके बाद यहां पे नीचे वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहां पे देखेंगे ये बोल रहा है कि आर यू रेडी टू शेयर योर आधार डिटेल्स, यानी क्या आप अपना आधार कार्ड का डिटेल्स देना चाहते हैं। तो यहां पे आपसे आधार कार्ड का भी डिटेल्स मांगेगा, तो यहां पर आप यस कर दीजिएगा। अगर आप नहीं देना चाहते तो नो भी कर सकते हैं, ठीक है। हम देना चाहते हैं, चलिए हम यहां पे यस करते हैं। अब जैसे यहां पे यस करेंगे तो देखेंगे यहां पर एक इसका टर्म एंड कंडीशन आएगा, तो यहां पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पे जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर है वो आप यहां पे डालेंगे और नीचे यहां पे जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, तो उस OTP को डाल के वेरीफाई करना होगा। अब जैसे आधार OTP को वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपसे अकाउंट पूछ रहा है। तो अगर आपका SBI में कोई भी सेविंग या फिर करंट अकाउंट है, तो उसका अकाउंट नंबर आप यहां पर डाल दीजिएगा, क्योंकि उसी अकाउंट में जो आपका पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखेंगे तो रिकॉर्ड लोन का अमाउंट पूछ रहा है आपको कितना का लोन चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि यहां पे आप 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन घर बैठे ही ले सकते हैं, आपको ब्रांच बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 50,000 से ज्यादा का लोन चाहिए, तब आपको यहां पर ब्रांच में जाना पड़ेगा, वहां पर जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने वेरीफाई कराने पड़ेंगे, तब आपको लोन मिलेगा, ठीक है। फिलहाल हमको यहाँ पे 50,000 का ही लोन चाहिए, तो चलिए हम यहाँ पे 50,000 डाल देते हैं। अब लोन का अमाउंट डालने के बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिएगा, पूरा नाम आपको डालना होगा जो भी आपके आधार या पैन कार्ड पे है। उसके बाद नाम ऑफ यूनिट, यानी कि ये आपसे बिजनेस का नाम पूछ रहा है, आपके काम का नाम पूछ रहा है, यानी कि आपके काम का क्या नाम है, आपके बिजनेस का क्या नाम है, वो यहां बताएंगे। उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, यहां पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो बिजनेस है किस तरह का, जैसे सोसाइटी है, ट्रस्ट है, या फिर यहां पे देखेंगे तो पार्टनरशिप में है, मतलब जिस तरह से होगा यहां पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे, या फिर इंडिविजुअल यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब आपका खुद का है अकेले, तो यहां पे इंडिविजुअल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारा इंडिविजुअल है तो हमने यहां पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहां पे नीचे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, एड्रेस लाइन 1 में अपना एड्रेस डालेंगे, एड्रेस लाइन 2 में अपना एड्रेस डालेंगे। उसके बाद यहां पे स्टेट का नाम अपने सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपके स्टेट का नाम है उसको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो अब आपको यहां पर ब्रांच सेलेक्ट करना होगा, तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच होगा जिसमें आपकी आपका अकाउंट है, उस ब्रांच का नाम यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रांच का कोड यहां पे पूछ रहा है, तो ये ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है। और उसके बाद यहां पे देखेंगे तो यहां पे नीचे ये सेक्टर पूछ रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो भी आपका सेक्टर होगा उसको यहां पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का काम है या सर्विस का है या ट्रेडिंग का है। सर्विस मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई CSE सेंटर है या फिर मतलब किसी को सर्विस देते हैं, तो उस तरह से अगर मान लीजिए कोई आपका काम है जैसे सर्विस देने वाला, जैसे कि CSE सेंटर हो गया या फिर कोई साइबर कैफे चला रहे हैं, तो मतलब उस तरह का होगा, तो यहां पर आप सर्विस कर लेंगे। अगर ट्रेडिंग का काम करते तो ट्रेडिंग सेलेक्ट कर सकते, या मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा कुछ बनाते हैं
तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो पर्पस पूछ रहा है, यानी आप किस पर्पस किस रीजन से लोन को ले रहे हो, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए। जो भी आपका रीजन होगा, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है या फिर आपका कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए लोन ले रहे हैं, तो जो भी आपका रीजन होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना करके आ जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाइड लोन में पूछ रहा, तो लोन का अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिएगा। आपको जितना का भी लोन चाहिए यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, और उसके बाद नीचे यहाँ पर जो कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे मंथली एवरेज सेल्स यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब लास्ट 12 महीने में आपका यहाँ पे कितना सेल हो चुका, तो वो आप यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद सेल्स क्रेडिट इन बिजनेस, मतलब पूछ रहा कि आप कितना यहाँ पे जो भी काम किए हैं, मतलब जो भी सेल किए हैं अपने बिजनेस से, उसे आप जितना भी प्रॉफिट कमाए, जो पैसा कमाए हैं, वो आपके बैंक अकाउंट में कितना आया, जैसे कि 1 लाख आया, 2 लाख आया, 3 लाख आया, कितना आया, तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद बिजनेस अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा, यानी आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर डालना होगा जिसमें आप पैसे को लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बैंक का नाम आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है, ब्रांच का नाम भी नीचे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपका लोन का डिटेल्स होगा, जो भी आपका लोन का अमाउंट होगा, जैसे कि देखते हैं 50,000 का हम लोन ले रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो 9.5% का लगाया जा रहा है, जो कि काफी लो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है, ठीक है। ये लोन मुझे यहाँ पे 60 महीने के लिए दिया जा रहा है, और यहाँ पे जो मेरा EMI आएगा वो 1,128 रुपए हर महीने आएगा, जो कि काफी बढ़िया यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है। अब उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन मिलेगा, जिसको यहाँ पे टिक करेंगे, और उसके बाद प्रोसीड टू ई साइन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इसका एक टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा, जिसको कि यहाँ पर आप आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करके एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको सिग्नेचर करना होगा, तो यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स है सारा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। बस यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपसे ये आधार कार्ड पे जो भी आपका नाम है वो नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ई साइन थ्रू OTP इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो अब आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पे सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो थैंक यू कर आ चुका है, और दिया है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 50,000 रुपए का लोन है हमारे इस बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर भी आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने पर देखेंगे तो योर लोन एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे बता रहा है कि पैसे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं, थोड़ा टाइम यहाँ पे आपको वेट करना होगा। फाइनली गाइस देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस, और मेरा यहाँ पे जो लोन है हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुल ट्रांसफर कर दिया गया। नीचे देख सकते दिया है लोन अमाउंट ऑफ, यहाँ पे बता रहा है कि 50,000 क्रेडिट इन योर सेविंग अकाउंट, और हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है, लोन का अमाउंट बता रहा है, और यहाँ पे नीचे लोन का भी डिटेल्स देख सकते हैं, सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ पे मैसेज भी देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड में यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है कि ये पैसे सक्सेसफुल मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे SBI ई मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।